चाहिए। हम इसी तरह ज़र्ब की दूसरी मिसाल देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से दो हिंसी अदद को दो हिंसी अदद से ज़र्ब कर सकते हैं। मिसाल देखते हैं। मिसाल क्या है हमारी कि सालाना तफरी के लिए स्कूल में हर बच्चे से 15 रुपए लिए गए। तफरी तो होती है सबके स्कूल में, मजा भी बहुत आता है। फिर 35 बच्चे तफरी पर जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, तो 35 बच्चे यहाँ पर तैयार हो गए कि ठीक है हम चलेंगे। तो बताइए कुल कितने पैसे इकट्ठा हुए। तो अब हमें बताना है कि 15 रुपए के हिसाब से 35 बच्चे अगर जाने के लिए तैयार हो गए तो कुल कितने पैसे इकट्ठा होंगे। तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, 15 और 35 का ज़र्ब करेंगे। लेकिन पहले हम 15 और 35 को इसके मुकामी कीमत के हिसाब से लिखेंगे। वो कैसे, वो इस तरह से 35 यानी 30 जमा 5, या फिर हम इसको 3/5 और 5/5 भी कह सकते हैं। उसी तरह से 15 यानी 10 जमा 5, या फिर हम इसको 5/5 और 1/5 भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह का हम खाका तैयार कर लेंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी तैयार किया था। अब ये जो खाका है, इस खाके में हम हमारे जो हिंसे जो हमने अभी बनाए हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा हमारा 30। कितना आएगा 30। यहाँ पे क्या आएगा 5, मतलब 30 और 5 ये 35। अब यहाँ क्या आएगा 10, और यहाँ पर क्या आएगा 5, 10 और 5 15, यानी हम 15 और 35 का यहाँ पर ज़र्ब कर रहे हैं। अब एक एक से हम सारे अददों को, सारे हिंसों को ज़र्ब कर लेंगे। 30 और 10 का ज़र्ब हमने देखा है, किस तरह से हम 30 और 10 का ज़र्ब कर सकते हैं जानते हैं हम। 10 और 30 का ज़र्ब, यानी यहाँ पर 1/2 और 3/2 है, तो हम क्या करते हैं, 1 और 3 का ज़र्ब किया और यहाँ पर 2 सिफर लगा दिए, कितने हो गए 3। उसी तरह से 10 और 5 का ज़र्ब आ जाएगा, 10 × 5 = 50, ठीक है। 5 और 30 का ज़र्ब करते वक्त भी यही मेथड हम, यही तरीका हम देखेंगे। 3 और 5 का ज़र्ब किया, 3 × 5 = 15, और आगे 1 सिफर लगा दिया, बिल्कुल इसी तरह 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25। तो अब हमारे जो ये वाले हिंसे हैं, ये पूरे हिंसों की हमको क्या करना है, जमा करना है। तो चलिए जमा करते हैं, किसकी किसकी, 300, 150, 25 और 50। चलिए जमा करते हैं, क्या क्या थे हमारे हिंसे, 300, उसके बाद बहुत अच्छे 150, 50 और 25। जमा करते ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखी जाए। अब यहाँ पर तमाम इकाई पर 0, 0, 0 और 5 है, यानी 0 और 5 इकाई कितने होते हैं, 5 इकाई। अब दहाई के मकाम की जमा करेंगे, 5 दहाई जमा 5 दहाई, 10 दहाई 10 दहाई जमा 2 दहाई, कितने हो गए, 12 दहाई। लेकिन हम 12 दहाई यहाँ पर लिखते हैं क्या, नहीं, 12 दहाई में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जो 10 दहाई है, 10 दहाई क्या होते हैं, 1 सैकड़ा, वो हम यहाँ पर सैकड़े के मकाम पर हासिल में दे देंगे। अब ये 3 सैकड़ा और 1 सैकड़ा कितने हो गए, 4 सैकड़े, और हासिल वाला 1 सैकड़ा मिलाकर कितने हो गए, 5 सैकड़े, बहुत अच्छे। यानी कुल मिलाकर कितने पैसे जमा हो गए, कितने पैसे इकट्ठा हो गए, 525 रुपये। इसका मतलब कि अगर 15 रुपये के हिसाब से 35 बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए तो कितने रुपये जमा होंगे, 525 रुपये। शुक्रिया।